हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर बॉय जीत। तो आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। बेसिकली मैंने दो तीन दिन पहले भी शूट किया था, वो मुझे ही नहीं अच्छा लगा तो इसलिए मैंने डाला नहीं। तो बेसिकली मैं आज होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा ये वीडियो। मतलब मैंने बनाया था वीडियो, ये मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शूट किया था तो थोड़ा वॉइस थोड़ा बहुत वो हो रहा था। मैंने माइक भी लगाया था, पता नहीं कि मैंने अच्छे से सेटअप नहीं किया था, बस सेट नहीं हुआ था, इसीलिए मुझे वापस शूट करना पड़ रहा है ये चीज़। बेसिकली मैंने पूरा दिन भर में क्या काम किया मैं वो बता देता हूँ आपको। मैं बेसिकली पूरा दिन मैं आज गाड़ी पे चला गया। मैं गाड़ी पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए थे, मतलब वो नीचे का जो फेयरिंग रहता है वो आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर बात करते हैं। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी निकलते हैं। गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं, पहले पेट्रोल भराते उसके बाद देखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा वो नीचे का फेयरिंग टूट गया था पूरा, मतलब टूटा नहीं है, मतलब जहाँ पे आप लोग नट टाइट करते हैं शायद उसका लॉक टूट गया है वो। तो मेरे को वो अभी मुझे फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी चेंज नहीं करना, क्योंकि वो पार्ट के लिए मैं पूरा चेंज नहीं करूँगा। वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि मुझे डालना है तो ओजी पार्ट डालूंगा, नहीं तो फिर डाल के मतलब नहीं है। तो मैं फेविक्विक से या कुछ देखता हूँ, नेटवर्क ट्राई कर दूंगा, उससे कुछ तो करूँगा। और मेरे स्पीडोमीटर का वायर, जो अपना स्पीडोमीटर का वायर था वो ख़राब हो चुका है। स्पीडोमीटर हिल रहा है, मतलब अंदर जा रहा है, पता नहीं कैसे। तो खुलवाया है तो देखा तो उसके नीचे का वो टूटा था। तो आप लोग देखिए, थोड़ा टाइम लगे इसका, फिर बात करते हैं।
जैसे आप लोग ने देखा वो पूरा उसने मीटर वीटर खोल दिया था। खोलने का सबसे मेन प्रॉब्लम था वो, आगे वाला खोलने का बहुत इशू था उस चीज़ का खोलने के लिए। 15 से 20 मिनट उसमें चला गया मेरा। फिर खोला वाला कैसे करके लोग ने 2-3 मिल के खोले, आपने जैसा देखा वो खोला। उसके बाद मीटर लगा तो वायर तो लगा दिया पटक से, बाद में मीटर का जो स्क्रू रहता है वो दोनों साइड का टूट चुका था, मतलब क्रैक हो चुका था, प्लास्टिक ऑलमोस्ट रहता क्रैक हो गया। तो फिर मैंने डायरेक्ट शोरूम में कॉल किया तो ऑलमोस्ट लोग का 3000 to 4000 उसका प्राइस बोला। तो फिर मैं थोड़ा अभी मुझे नहीं चेंज करना है बेसिकली, मैं अगले महीने या उसके अगले महीने पूरा बॉडी का थोड़ा पार्ट चेंज करना है मुझे। तो डायरेक्ट मैं शोरूम में एक ही बार चेंज कराऊंगा, बार बार नहीं कराऊंगा। तो उसके लिए मैंने जुगाड़ लगा के फेविक्विक से थोड़ा चिपकाया, फेविक्विक से चिपकाने में भी 15 से 20 मिनट चला गया मेरा। तो बहुत इशू, मतलब कह बहुत मुश्किल से चिपकाया उसको, 2 से 3 फेविकॉल फिर मट्टी ये वो करके चिपकाया। अभी ठीक है, थोड़ा वाइब्रेट होता है, मतलब थोड़ा हिलता तो भी ठीक है। अभी उसको और एक बार दिखाना है, आगे का थोड़ा हिल रहा है। और फिर उसके बाद गाड़ी वॉश करना है, बेसिकली 2 महीने बाद गाड़ी वॉश कराया मैंने उसको। आप लोग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आई होप आप लोग को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। मैं ट्राई करूँगा इससे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और बहुत सारे काम थे मेरे, मैं बहुत सारा थक गया था तो फिर सो गया, तो अभी उठाऊँ। तो बेसिकली अभी वीडियोस मेरे आएंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। प्लीज़ आई होप आप लोग को अच्छा लगा, आई होप प्लीज़ लाइक बटन दबा। एक भी रीज़न के लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दबा के देना। और आप लोग enjoy yourself और please like subscribe, नए हो या कहीं से देख रहे हो तो please subscribe करके जाना, please please please, okay till then bye।